उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा साधारण सभा की बैठक हाईवे स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पंडित कपिल कौशिक को चुना गया तथा ब्रज प्रांत अध्यक्ष की कमान राजवीर दीक्षित को दी गई। बैठक में भारी संख्या में युवा विप्रो ने समाज हित में अनेक प्रस्ताव पास किए, जिसमें समाज के निर्धन वर्ग के लिए केंद्र द्वारा चलाई गई योजना का लाभ दिलाने, महानगर मथुरा में भगवान परशुराम के नाम पर भव्य द्वार का निर्माण एवं आगामी अप्रैल माह में विराट ब्राह्मण सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संस्थापक अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि नव नियुक्त पदाधिकारी ब्राह्मण हित में समाज के उत्थान भाईचारे को आगे बढ़ाकर नवंबर चेतना का संचार करें। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के मंडल अध्यक्ष डॉ आशुतोष भारद्वाज, प्रदेश संयोजक पना आशीष चतुर्वेदी ने 7 अप्रैल को विराट ब्राह्मण सम्मेलन में राजनीतिक परिवेश में ब्राह्मणों की उपेक्षा, दमनकारी नीतियों एवं यमुना प्रदूषण मुक्ति, वर्तमान आरक्षण प्रणाली का विरोध सहित विप्र समाज के उत्थान के लिए भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतन एवं मंथन होगा। इस अवसर पर युवाओं ने नव नियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन राजीव राज पाठक ने की, संचालन जिला अध्यक्ष कुलदीप पाठक द्वारा किया गया। बैठक में पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष मिश्रा, राजीव राज पाठक ने अपने विचार प्रकट किए। उपस्थित जनों में हाथरस जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, राजू बादल, बलराम शर्मा, ब्रिजेश दत्त भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष गौरव शर्मा, प्रशांत शर्मा, राकेश पाठक, संतोष शर्मा, हरीश सारस्वत, शुभम उपाध्याय, दिलीप गौतम, अमित शर्मा, संजीव शर्मा आदि उपस्थित थे। आज उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा का मैं प्रदेश हाईकमान का हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। मैं आप सभी के मार्ग निर्देश में हमारे यहाँ महामंत्री जी आशीष चतुर्वेदी जी हैं, हमारे राज पाठक जी हैं, हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई कुलदीप पाठक जी, जिलाध्यक्ष मथुरा हैं भाई, जिलाध्यक्ष हाथरस भाई प्रदीप शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। हम सभी बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा को पूरे प्रदेश में विस्तार करना है। हमारे उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा का मुख्य उद्देश्य हम सभी भाइयों का यही है, गरीब निर्धन ब्राह्मण की निस्वार्थ सेवा की जा सके। आप ब्राह्मण युवा महासभा का भी सब्जेक्ट चुना गया है, इस संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे आगामी रणनीति बनाएंगे? हम सभी बड़े भाइयों के मार्ग निर्देशन में, सभी बुजुर्गों के में, क्योंकि तजुर्बा भी जरूरी होता है, सभी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा को प्रदेश स्तर लेवल पर बढ़ाएंगे और आगामी होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन जिसकी 31 मार्च या 7 अप्रैल जिसकी तारीख अभी हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, उसमें ऐतिहासिक ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। ये हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ मौजूद है, ये सभी आपसे वादा करते हैं। ये प्रकृति बदलाव मांगती है और बदलाव का नियम ही प्रकृति है। इसमें हम लोग उम्रदराज हुए, हमारी एज बढ़ती जा रही है, आज हम नए युवाओं को इसमें मौका देंगे। उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा का नया कार्यवाहक अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कौशिक जी को चुना गया है, उनकी मैं बहुत हर्ष व्यक्त करता हूँ। वो अपने उत्तर प्रदेश में इसको जो हमसे काम नहीं हो पाए वो लोग इस काम को करें, और वहीं दीक्षित मेरा छोटा भाई इसको आगरा मंडल का ब्रज प्रांत का अध्यक्ष चुना गया है, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा जितनी ऊँचाइयों तक छुए ये हमारा हर्ष और गौरव की बात है, हमारे लिए, राजेश पाठक जी के लिए, आशीष चतुर्वेदी जी के लिए, दिनेश शुक्ला जी के लिए, भाई राजू बादल जी के लिए। हम चाहते